आज हम जिस फैक्ट्री की विजिट करने जा रहे हैं वो एक ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री है। ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री यानी जो अभी आप ये लकड़ी देख रहे हैं वुड वेस्ट, उस लकड़ी का बुरादा करके या छोटे छोटे वुड चिप करके फिर उसको प्रोसेस किया जाता है ये ब्रिकेट बनाने के लिए, जो बड़े बड़े बॉयलर्स में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में ये जलाने के लिए काम में आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। अभी हम ब्रिकेटिंग फैक्ट्री की टूर करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारा वुड वेस्ट पड़ा है। ये जो वुड वेस्ट है ये सारी आरा मशीनों पे या बहुत सारे एग्रीकल्चरल फार्म्स पे, बहुत सारे बड़े पैमाने पे पड़ा हुआ है। इसको प्रोसेसिंग करने का जो फैक्ट्री है वो ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री है। लेकिन ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है, जो वुड वेस्ट से बुरादा बनाया जाए या छोटे छोटे चिप बनाए जाए, उसके लिए जो मशीन लगती है, ये सामने आप मशीन देख रहे हैं भारत एग्रीटेक का वुड क्रशर मशीन। इस मशीन में आप जो लकड़ी, वेस्ट लकड़ी है, अलग अलग साइज़ के टुकड़े रहते हैं जो आज की डेट में आरा मशीन में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। आज आरा मशीन वालों को ये प्रॉब्लम है कि उस मटेरियल का करें क्या। तो ये मशीन उस मटेरियल से लकड़ी का बुरादा या छोटे बड़े साइज़ में हमें वुड चिप बना के देती है। अभी ये वुड क्रशर में से जो आप देख रहे हैं ये बड़े पैमाने पे टनों से बुरादा बनाया जाता है, क्योंकि ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री को हर दिन टनों से लकड़ी का बुरादा या वुड चिप लगते हैं। और ये वुड चिप या बुरादा बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर उनको मिला तो अच्छी क्वालिटी का ब्रिकेट बनता है और उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा बनता है। वैसे देखा जाए तो ब्रिकेट जो है वो एग्री वेस्ट जो पड़ा रहता है उससे भी बनाया जाता है, बट जो एग्री वेस्ट है जैसे कॉटन के जो स्टाल्क्स है या तुअर के स्टाल्क्स है उससे बनाया जाता है, बट उससे पूरे साल भर ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री का काम चलेगा या नहीं चलेगा ये नहीं कह सकते। इसलिए बहुत सारे जो ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री है वो 365 दिन एक अच्छी क्वांटिटी में, एश्योर्ड क्वांटिटी में सप्लाई देने के लिए लकड़ी का जो बुरादा है उससे ब्रिकेट्स बनाते हैं। तो लकड़ी के बुरादे के लिए ये जो भारत एग्रीटेक का वुड क्रशर मशीन है ये बेस्ट ऑप्शन है। जो वुड वेस्ट है यानी अनइवन जो शेप्स है उस शेप्स के लकड़ी को प्रोसेस करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ में भी छोटे छोटे लकड़ी के जो लॉग्स रहते हैं, टुकड़े रहते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। वो वेस्ट कहाँ यूज़ करें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फर्नीचर इंडस्ट्री को है, आरा मशीन को है। बिकॉज लकड़ी के बुरादे को तो डिमांड है या वुड चिप को डिमांड है, लेकिन ये जो अनइवन लकड़ी है उसको डिमांड नहीं है। तो अपनी जो मशीन है इतनी आसानी से सिर्फ आपको सामने से वुड वेस्ट डालना है और आगे फाइनल प्रोडक्ट जो लकड़ी का बुरादा है, जैसे आप देख सकते हैं टनों से पड़ा है, वैसे बुरादा या वुड चिप आप जो साइज चाहिए उसमें कन्वर्ट करके ले सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री है जिसमें ये जो रॉ मटेरियल है ये आगे प्रोसेस किया जाता है ब्रिकेटिंग मशीन में। तो जैसे अनइवन वुड लॉग्स आप देख रहे हैं उसका हमने ये बुरादा यहाँ पे बना के रखा है इस कंपनी में, तो यहाँ से ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए ब्रिकेटिंग मशीन पे जाएगा। ब्रिकेटिंग मशीन पे ये जो कंट्रोल्ड मॉइस्चर रहेगा इस बुरादे का, इसमें कोई अलग चीज़ और ऐड नहीं होती। ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री जो ब्रिकेटिंग मशीन है उसमें फीड किया जाता है, ये अभी छोटे चिप्स है या बुरादा भी मिक्स है इसमें, तो ये ब्रिकेटिंग जो मशीन है इसमें वो डाला जाता है बुरादा, और इससे ये जो आप
लकड़ी का ब्रिकेट्स देख रहे हैं, यानी ये बुरादे का ब्रिकेट्स है सॉडस्ट का, ये बनाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी डिमांड मार्केट में है, आप टनों से भी देंगे तो टनों से इसकी डिमांड मार्केट में है। कितना भी टन आप देना चाहे उतनी डिमांड मार्केट में इसकी है। यानी आप अगर हर दिन 50 टन भी सप्लाई कर पाए तो 50 टन की भी आज मार्केट में कस्टमर अवेलेबल है। इसलिए आप जो वेस्टवुड से प्रोसेसिंग करके बुरादा बनाया जाता है या वुड चिप बनाया जाता है, उसके लिए अपनी ये भारत एग्रीटेक की मशीन आप लगा सकते हैं।